सब्सक्राइब कीजिए हमारे एजुकेशनल चैनल को और बेल आइकन दबाइए सबसे पहले वीडियो पाने के लिए। प्यारे बच्चों, पिछली वर्कशीट में हमने व्याकरण के अंतर्गत संज्ञा और उसके भेद को पढ़ा और समझा। आज की वर्कशीट भी हमारे पास व्याकरण की है, तो आपने पूरी वीडियो ध्यान से देखनी है और समझनी है। वर्कशीट नंबर 28 और ये रहेगी 31 दिसंबर की, यानी कि इस साल की आपके पास ये अंतिम वर्कशीट है। तो नया साल आपको मुबारक हो, नया साल हमारा शुरू होने वाला है। तो चलिए, स्वागत है आप सभी का हमारी ऑनलाइन क्लास में और मैं हूँ आपका आशीष सर। तो चलिए, ये क्लास 7 की और हिंदी व्याकरण की वर्कशीट को हम ध्यान से समझते हैं। और वर्कशीट को समझने से पहले हम इस पिक्चर को देखते हैं। यहाँ पर एक दो बच्चे हैं, एक का नाम हम रख देते हैं रिंकू और दूसरे का नाम रख देते हैं रिंकी, यानी कि एक लड़का है और दूसरी लड़की है। रिंकू और रिंकी पर ही आधारित हमारी आज की वर्कशीट है। तो यहाँ पर कुछ आपको सेंटेंस दे रखे हैं और हम इनको ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। तो चलिए मेरे साथ आपने पढ़ना है, बालक दौड़ता है। दूसरी है, बालिका दौड़ती है। तीसरा है, दादाजी अखबार पढ़ते हैं। और चौथा है, दादी जी अखबार पढ़ती हैं। अगला है, नायक अभिनय कर रहा है। नायक यानी कि हीरो, है ना, हीरो होते ना मूवी में। और यह नायिका नाचती है, तो नायिका मतलब हीरोइन। छात्र कविता सुनाता है, छात्र यानी कि लड़का विद्यार्थी। और छात्रा चित्र बनाती है। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि कुछ सेंटेंस में दौड़ता है, कुछ में दौड़ती है, कुछ में बनाता है, कुछ में बनाती है, है ना। तो चलिए अगर थोड़ा सा और आगे हम बढ़ते हैं और ऊपर वाक्य सेंटेंस आपने जो देखे हैं उसमें कुछ रेखांकित है, यानी कि अंडरलाइन किया हुआ है। तो जो अंडरलाइन है यानी कि ऊपर लिखे गए वाक्यों में रेखांकित शब्द है, देखो, बालक बालिका, दादाजी दादी जी, नायक नायिका, छात्र छात्रा। तो इनमें क्या है, बालक, दादाजी, नायक और छात्र, ये क्या है, पुरुष जाति का बोध कराते हैं। तो ऊपर हम चित्र देखते हैं, ऊपर चित्र में भी हमने देखा, इसको बोला हमने रिंकू। तो इसी में ये रिंकू क्या है, ये पुरुष जाति का बोध कराते हैं। और दूसरी लड़की हमारे पास रिंकी थी, तो इसी तरह से रिंकी की तरह हमारे पास देखो बालिका, दादी जी, नायिका और छात्रा, ये क्या करते हैं, रिंकी की तरह स्त्री जाति का बोध कराते हैं। यानी कि इनसे हमें स्त्री का पता चलता है, फीमेल का पता चलता है। तो जिनसे फीमेल का पता चले वो हमारे, और एक से हमें मेल का पता चले, जैसे कि रिंकू हो गया मेल और रिंकी हो गई फीमेल। तो चलिए हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और इस वर्कशीट को समझते हैं। यस, पहला है कि पुल्लिंग, है ना। अब पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहेंगे, पुल्लिंग कहेंगे। यानी कि जिनसे सभी से पुरुष जाति का बोध हो रहा हो, चाहे वो जीव हो, चाहे प्राणी हो, चाहे इंसान हो, कोई भी हो, अगर वो पुरुष जाति का बोध कराए तो वो आपका पुल्लिंग कहलाएगा। जैसे देखो, लेखक। दूसरा है पुत्र, मुर्गा, तो मुर्गा ऐसे लिखते हैं। साथ में देखो मामा, शेर, मोर, तो ये सारे क्या हैं, पुरुष जाति का बोध कराते हैं। अब दूसरा देखो, दूसरी है स्त्रीलिंग, यानी कि स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं। जो फीमेल का हमें पता चले, जिनसे फीमेल, है ना, लेडीज हो गई, लड़की हो गई, किसी भी, यानी कि कोई जीव हो, जानवर हो या इंसान हो, तो जिनसे हमें स्त्री का पता चले। अब देखो ऊपर के सेंटेंस थे हमारे पास लेखक, तो ये था हमारे पास पुल्लिंग, इसकी हो गई लेखिका। पुत्र था तो इसकी हो गई पुत्री। मुर्गा था तो इसकी हो गई मुर्गी। मामा तो ये हो गया मामी। शेर था तो ये हो गया शेरनी। और इसी तरह से मोर का हो गया मोरनी। तो समझ आ गया होगा आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो चलिए एक और चीज़ हम यहाँ पर नई चीज़ समझते हैं। हिंदी में कितने लिंग होते हैं, दो, एक होता है पुल्लिंग और दूसरा होता है स्त्रीलिंग। तो हिंदी की बात करें तो हिंदी में दो ही लिंग होते हैं, लेकिन अगर हम संस्कृत और ऐड कर लें तो संस्कृत में एक और ऐड हो जाता है हमारे पास, नपुंसक लिंग।
यानी कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, ये किस में होते हैं? संस्कृत में। और हिंदी में कितने होते हैं? मात्र दो ही लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो चलिए यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज हैं, नीचे दिए गए शब्दों का आपने लिंग बदलना है। तो सबसे पहले सेंटेंस हमारे पास है यहाँ पर 13, तो 13 वर्ड हैं और 13 को हमने चेंज करना है। तो चलिए मैं पहले सेट कर लेता हूँ। अब पहला देखते हैं, ये है घोड़ा। क्या है? घोड़ा। तो घोड़ा का हो जाता है आपका क्या? घोड़ी। ठीक है, ई की मात्रा लगा देंगे। इसी तरह से देखो दूसरा है रस्सा, तो रस्सा का लिखेंगे रस्सी, तो इसमें भी हम क्या लगा देंगे? ई की मात्रा। उसी तरह से देखो बूढ़ा, तो बूढ़ा का भी फिर से ई की मात्रा लगाएंगे, बूढ़ी। तो काफ़ी सारे शब्द हमारे ऐसे होते हैं जिनमें बड़ी की मात्रा लगाने से वो क्या बन जाते हैं? स्त्रीलिंग। अब देखो चौथा है बंदर, तो हम इसमें ई की मात्रा लगाएंगे तो बनेंगे बंदरी, तो बंदरी वर्ड हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे बंदरिया। ठीक है, बंदर का बंदरिया। उसी तरह से पुजारी, तो आप इसमें बड़ी की मात्रा देख रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा स्त्रीलिंग है, लेकिन नहीं, पुजारी क्या है? वो पुल्लिंग है, तो पुजारी का हम स्त्रीलिंग कहेंगे पुजारिन। तो चलिए इसी तरह से देवर, तो देवर को लेते हैं, देवरी नहीं होगा बल्कि हो गया था देवरानी, देवर का देवरानी। उसी तरह से माली, तो माली में फिर से देखो बड़ी की मात्रा है, तो माली आपका स्त्रीलिंग नहीं है बल्कि भी पुल्लिंग है, तो माली का हो गया मालिन। ठीक है, इसी तरह से हाथी, तो हाथी को कई जगह हाथिन कहते हैं और कई जगह हथिनी, तो हाथी का लिखेंगे हथिनी। इसी तरह से शिक्षक, तो शिक्षक का लिखेंगे शिक्षिका, शिक्षिका। ठीक है, श्रीमान, तो श्रीमान का हो गया श्रीमती। अच्छा, अगर आप मेल हैं, बॉयज़ वाले स्कूल में पढ़ते हो तो आप लिखोगे प्रधानाचार्य को सेवा में श्रीमान, और अगर आप लड़कियों वाले स्कूल में आपकी फीमेल लेडी प्रिंसिपल है तो आप लिखोगे सेवा में श्रीमती, तो श्रीमती आ जाएगा, है ना। अगला देखो युवक, तो युवक का लिखेंगे हम युवती, युवती, युवकी नहीं बल्कि युवती। और अभिनेता का लिखेंगे अभिनेत्री, अभिनेत्री। और इसी तरह से कवि का लिखेंगे कवयित्री। तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका स्त्रीलिंग ई की मात्रा से नहीं बल्कि कुछ परिवर्तन करना पड़ता है, इसी तरह से कवयित्री भी है। तो प्यारे बच्चों, ये है हमारे पास आज की वर्कशीट। कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक करना और अपने सभी दोस्तों को अपने से ज़रूर शेयर करना है। तो प्यारे बच्चों, छोटा सा होमवर्क है आपके लिए, आज की वर्कशीट का क्या टाइटल हो सकता है आपके अकॉर्डिंग, कमेंट बॉक्स में मुझे लिखेंगे अपने नाम के साथ साथ ही स्त्रीलिंग में बदलना है पापा और पंडित को, और लिंग पहचान करने विदुषी और राजमाता का, और ये सारे आंसर मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में, वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ताकि मुझे ये समझ में आए कि आपको कितना समझ में आ रहा है। धन्यवाद।